हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव बर्नौली में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी का हमारा थर्ड चैप्टर, सो पार्ट नंबर ये सेकंड। सो फर्स्ट पार्ट में हमने मिनरल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में देखा था, सो पार्ट नंबर 2 में आज हम पावर रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। इस चैनल के ऊपर आप सभी को क्लास 6 से लेकर 12th तक के सभी सब्जेक्ट यहाँ पे करवाए जाएंगे। साइंस 7 से लेकर 10th तक की होगी। स्पोकन कोर्स, गवर्नमेंट एग्जाम सभी की वीडियो अपलोड हो चुकी है। नीचे प्लेलिस्ट में इनकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे पावर रिसोर्सेज होते क्या है। पावर या एनर्जी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। यहाँ पे जो हमें पावर चाहिए होती है, ठीक है, वो किसके लिए, जैसे इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस सेक्टर हो गया, इन सभी के लिए हमें पावर का यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। यहाँ पे जरूरत होती है एनर्जी की और पावर की, सो यहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। सो पावर रिसोर्सेज को यहाँ पे मेनली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सो मेनली कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले देखते हैं कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते क्या हैं। कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो काफी लंबे समय से जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको बोला जाता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज। सो इसमें मेनली फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स आ जाएंगे। ये दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। तो फायरवुड क्या होता है, यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है आज के समय में, जैसे कुकिंग पर्पज के लिए, खाना बनाने के लिए और हीटिंग के लिए। मेनली जो फायरवुड का इस्तेमाल होता है 50% से भी ज्यादा वो कहाँ पे होता है एज अ एनर्जी रिसोर्सेज, ये गांव में किया जाता है। अब जैसे गांव में जो औरतें होती हैं वो लकड़ियां इकट्ठी करके लाती हैं, खाना पकाती हैं, ठीक है। सो इससे बहुत ज्यादा काम इनके द्वारा लिया जाता है, सो जो गाँव के लोग होते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे फ्यूजल फॉल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं यहाँ पे, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। सो यहाँ पे ये मेन सोर्सेज होते हैं कन्वेंशनल एनर्जी के। अब यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो मेनली बनते कैसे हैं, अब यहाँ पे जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, मतलब कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ अवशेष होते हैं वो यहाँ पे धरती के नीचे दब जाते हैं। सो लाखों सालों बाद यहाँ पे हीट एंड प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो है फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। सो मेनली फॉसिल फ्यूल्स में जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 8th की यहाँ पे सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप कंप्यूटर के ऊपर वीडियो देख रहे हो तो आपको इस तरह का यहाँ पे आइकन दिखेगा। सो नीचे शो मोर की ऑप्शन होगी, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी क्लास 8th की प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। वीडियो को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक आप क्लास 8th की वीडियो उठा लो, उसके नीचे आपको सभी क्लास 8th की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कोल की तरफ मूव करते हैं। सो कोल यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है फॉसिल फ्यूल, सो मेनली ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, चट्टाने होती हैं, उनमें ये पाया जाता है कोल। सो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी किया जाता है, इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री हो गया, स्टीम इंजन जो होते हैं इनमें भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से पैदा की जाती है, जनरेट की जाती है, इसे थर्मल पावर बोला जाता है। अब यहाँ पे ये बनते कैसे हैं कोल, ठीक है, जैसा कि प्रोसेस मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे जो इसका बनने का समय होता है वो लाखों सालों का होता है, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे जो बहुत बड़े पेड़ पौधे, ठीक है, वो या दलदल, ठीक है, वो क्या होता है यहाँ पे धरती की सतह के नीचे दब जाते हैं। सो हीट एंड प्रेशर की वजह से यहाँ पे लाखों सालों बाद यहाँ पे हमें कोल का निर्माण मिला। सो कोल मेनली यहाँ पे जो जमीन के नीचे जो हीट एंड प्रेशर की वजह से ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं, अवशेष हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे जो कोल की वैरायटीज मेनली ये चार तरह की, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सो इन सभी में से सबसे यहाँ पे जो फाइनेस्ट वैरायटी, सबसे शानदार है वो कौन सा है, एंथ्रासाइट। तो इसमें 90% यहाँ पे कार्बन की मात्रा मौजूद होती है। तो यहाँ पे जो प्रमुख केंद्र है, प्रोड्यूसर है,
कोल के पूरे विश्व में, वो कौन कौन से, यहाँ पे चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो कोल के जो एरियाज है जहां पे प्रोड्यूस किया जाता है सबसे ज्यादा, रानीगंज, फिर जरिया, धनबाद, बोकारो जो झारखंड में है, सो यहाँ पे मेनली आपको कोल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं कि कोल कैसे यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। सो ऐसे यहाँ पे जैसे पेड़ पौधे यहाँ पे, ठीक है, सो 300 मिलियन ईयर्स है वो, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल है एक। सो बहुत साल पहले यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, सो समय के अनुसार ये जैसे मर जाते हैं, सो ये धरती के नीचे दफन हो जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या अदर एनिमल्स होते हैं जो धरती की सतह के ऊपर रहते हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो भी क्या होते हैं, नीचे धरती की सतह में दब जाते हैं। तो बहुत सालों के बाद यहाँ पे हीट एंड प्रेशर की वजह से यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम यहाँ पे एक लैटिन वर्ड है, पेट्रा मतलब होता है इसका रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल, तो पेट्रोलियम का क्या मतलब हुआ, रॉक ऑयल। तो यहाँ पे ये मेनली जो सेडिमेंटरी रॉक्स होती हैं उनकी लेयर्स में पाया जाता है पेट्रोलियम, और इसे ड्रिल्ड किया जाता है, ठीक है, ड्रिलिंग जो होती है। तो ऑयल फील्ड जो मेनली यहाँ पे ऑफशोर, मतलब कि ये जो समुन्द्र तल के सेंटर में, ठीक है, मतलब जो किनारे से दूर या कोस्टल एरियाज जो होते हैं किनारे पे, वहां पे ड्रिलिंग की जाती है। फिर इसको रिफाइनरीज में भेजा जाता है, सो वहां पे जो क्रूड ऑयल होता है उसे प्रोसेसिंग की जाती है। सो यहाँ से अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें प्रोड्यूस करा जाता है, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट। तो यहाँ से अलग अलग यहाँ पे क्रूड ऑयल से यहाँ पे निर्माण किए जाते हैं। जो पेट्रोलियम और इसके कुछ डेरिवेटिव होते हैं, मतलब कि पेट्रोलियम से जो अदर यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उन सभी को क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। तो मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, कतर। तो यहाँ पे ये पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। अब इसके अलावा अदर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी हैं, जैसे यूएसए, रशिया, वेंजुएला, चाइना, लीबिया, अल्जीरिया, तो ये अदर है। अब अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज है वो दिग्बोई असम में देखने को मिलेगा, बॉम्बे हाई ये मुंबई में देखने को मिलेगा, डेल्टास ऑफ कृष्णा और गोदावरी रिवर्स है, जो यहाँ पे मेनली जो पेट्रोलियम होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉर्मेशन, सो वही सेम प्रोसेस है जैसे कि हमने करा था कि जो प्लांट्स और जो डेड एनिमल्स जो इनके रिमेन्स हैं वो धरती की सतह के नीचे पाए जाते हैं, सिमिलरली यहाँ पे जो पेट्रोलियम का कॉन्सेप्ट होता है ये आपको समुन्द्र तल के नीचे देखने को मिलेगा। क्लियर है। सो यहाँ पे फिर क्या होता है, समय के अनुसार यहाँ पे ड्यू टू हीट एंड प्रेशर की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं, बाद में इन्हें निकाल लिया जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में देखेंगे। सो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और मेनली ये मिथेन गैस के मिलके बने होते हैं। सो ये जब पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, मतलब जब पेट्रोल निकालते हैं, जब क्रूड ऑयल जो सतह पे आता है उसके साथ में नेचुरल जो गैस होती है ये भी रिलीज होती है। तो यहाँ पे जो नेचुरल गैस होती है इसका इस्तेमाल डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए किया जाता है। सो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल जैसे कि ट्रांसपोर्ट फ्यूल में भी किया जाता है, जैसे एलपीजी गैस हो गया जो घरों में यूज की जाती है, और जो सीएनजी गैस हो गया ये मेनली जो व्हीकल्स जो होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो मेनली जो प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं जो नेचुरल गैस के वो कौन कौन से हैं, रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के। सो अगर आपको 8th क्लास में अगर आप इसके ऊपर लिखते हो तो मेनली आप अगर वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हो तो एक दो कंट्रीज के नाम बता दो एज एन एग्जाम्पल, सफिशियंट है। और इंडिया के भी एक दो आप एग्जाम्पल बता सकते हो, इतना ज्यादा आप लोगों ने डिटेल में नहीं जाना है। सो इंडिया में जैसे जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा, त्रिपुरा, सम एरियाज ऑफशोर इन मुंबई, यहाँ पे नेचुरल गैस रिसोर्सेस पाए जाते हैं। क्लियर है। सो ये भी सेम प्रोसेस है जैसे कि मैंने पेट्रोलियम का बताया था, ठीक है, पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है उसके साथ में नेचुरल गैस को भी निकाला जाता है, दोनों जब क्रूड ऑयल सतह पे आता है सो उसके साथ यहाँ पे जो
नेचुरल गैस होती है ये भी रिलीज होती है, ठीक है, सेम प्रोसेस है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हाइडल पावर के बारे में देख लेते हैं। सो रेन वाटर या रिवर वाटर जो होता है सो उसे डैम में स्टोर किया जाता है। सो यहाँ पे डैम में स्टोर करने के बाद इससे काफी ज्यादा हाइट से घेरा जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो पानी होता है। तो यहाँ पे जो काफी ज्यादा हाइट से घेरने के बाद यहाँ पे जो वाटर होता है सो इसे यहाँ पे पाइप्स के थ्रू यहाँ पे लेके जाया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है सो वाटर फ्लो कर रहा है, सो यहाँ पे पाइप के थ्रू यहाँ पे इसे लेकर जाया जाएगा। सो अंदर यहाँ पे चैम्बर है, चैम्बर में यहाँ पे टर्बाइंस लगे हुए हैं, टर्बाइंस मेनली जो पक्खी होती है, ठीक है, पंखे टाइप। तो जैसे पानी बहुत तेजी के साथ यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे ये टर्बाइंस को रोटेट करेगा, घुमाने का कार्य करेगा। सो यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, फिर जनरेटर क्या करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, क्लियर है। सो यहाँ पे जो हाइडल पावर होती है मतलब पानी से जो बिजली उत्पन्न की जाती है इसे क्या बोला जाता है, इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। सो मेन जो यहाँ पे हाइडल पावर के जो प्रोड्यूसर्स हैं मेनली प्रमुख जो केंद्र हैं पूरे विश्व में वो कौन कौन से हैं, पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील, चाइना। तो यहाँ पे अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जैसे भाखड़ा नंगर, गांधी सागर हो गया, नागार्जुन सागर हो गया और दामोदर वैली प्रोजेक्ट से यहाँ पे जो हाइडल पावर से बिजली उत्पन्न की जाती है। तो फर्स्ट कंट्री जो विश्व में जिन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की थी वो कौन है, यहाँ पे नॉर्वे। सो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेपरेशन कर रहे हो। सो मेन टारगेट यहाँ पे यही है कि 6 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट नोट्स के साथ यहाँ पे जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो मेनली यूपीएससी के लिए कर रहा हूँ। सो देखते रहिए और शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों को सो उनकी भी मदद हो सके। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा सो आप नोट्स को पढ़ सकते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं पीडीएफ फाइल तो परचेज भी कर सकते हैं, सो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक गिवन है। सो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर गिवन है नीचे कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो अभी हमने करा कन्वेंशनल सोर्सेज, अब हम करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा तेजी के साथ कर रहे हैं सो इसमें यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। अब जैसे कि हमने देखा कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि 2-3 साल में इसे हम बना लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लाखों सालों का यहाँ पे समय लग जाता है इन्हें बनने में। सो इसलिए हमें देख के यहाँ पे इनका यूज करना चाहिए कि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी हम कुछ बचा पाए। तो लेकिन यहाँ पे इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स के अलावा अदर बहुत सारी यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिनसे बिजली या अदर यहाँ पे चीजों को प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। सो यहाँ पे एस्टिमेट लगाया गया है कि अगर तो जैसे आज के समय में हम इनका यूज कर रहे हैं तेजी के साथ अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जल्द से जल्द समाप्त हो जाएंगे जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो अभी हमने लास्ट में पड़े थे। और इसके साथ में यहाँ पे इन्वायरमेंट पॉल्यूट बहुत ज्यादा किया जा रहा है इनके द्वारा जो कन्वेंशनल रिसोर्स जैसे कोल हो गया, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, इनके द्वारा नेचुरल गैस जो हो गया। सो इसलिए यहाँ पे हमें जरूरत है कि हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। सो इनसे पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, ये इन्वायरमेंट फ्री होते हैं, पोल्यूशन फ्री होते हैं, सॉरी। तो इनके बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी यहाँ पे क्या होता है कि जो सन की किरणें होती हैं उसे ट्रैप कर लिया जाता है और यहाँ पे जो सोलर सेल होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सो बहुत सारे सेल्स को ज्वाइन करके सोलर पैनल बनाए जाते हैं। सो मेनली वो क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं हीटिंग पर्पज के लिए या लाइटिंग पर्पज के लिए। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल सोलर हीटर्स, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स और यहाँ पे जो कम्युनिटी लाइटिंग होती है या ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं इनमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल आज के समय में किया जा रहा है। सो डायग्राम में देखते हैं, जैसे अब इनका इस्तेमाल घर में भी बहुत ज्यादा, ठीक है, छत के ऊपर किया जा रहा है जो सोलर पैनल होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर का। सो यहाँ पे ये क्या है, सोलर पैनल है। ये सोलर पैनल यहाँ पे क्या करता है, ठीक है, मेनली इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स मेनली होते हैं। सो जब आप 11th 12th क्लासेस में जाओगे सो इसके बारे में आपको देखने को
मिलेगा डिटेल में, या आप जब ग्रेजुएशन लेवल पे आप पढ़ोगे इंजीनियरिंग वगैरह तब आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सूरज की किरणें जब इसके ऊपर पड़ेंगी यहाँ पे, सो ये जो सोलर पैनल होगा ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो आगे यहाँ पे इसके फंक्शन दिए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पे, जो ये क्या करेगा, सोलर पैनल है ये सनलाइट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेगा, डीसी करंट में इसे कन्वर्ट करेगा। तो उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टर्स लगाए गए हैं, इन्वर्टर का कार्य क्या होगा, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एसी जो करंट होता है अल्टरनेट करंट, इसका इस्तेमाल किया जाता है घरों में, सो डायरेक्ट करंट हम नहीं यूज कर सकते डीसी, ठीक है, डीसी सप्लाई जो होती है। अब इसके बाद यहाँ पे थर्ड ये क्या है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी लेगा, ठीक है, जितनी भी घर को जरूरत होगी सो वो यहाँ से चली जाएगी घर में, जैसे अप्लायंसेस जो होते हैं बल्ब फ्रिज व्हाटएवर, सो उनको चलाने का काम करेगा। अब जितनी यहाँ पे एक्स्ट्रा बिजली होगी, वो एक्स्ट्रा बिजली जो होगी वो कहाँ पे चली जाएगी, वो ग्रिड में चली जाएगी, ठीक है। सो ये इसका काम है। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे विंड एनर्जी। विंड एनर्जी यहाँ पे क्या है, ये कभी भी खत्म ना होने वाले सोर्स हैं एनर्जी के, कभी भी खत्म नहीं होने वाले। अब विंड है, विंड तो यहाँ पे चलती रहेगी, ऐसा है कि जो सोलर एनर्जी सूरज वो कभी भी खत्म हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, उसका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा है। सिमिलरली जो विंड एनर्जी, विंड जो हवाएं चलती हैं, ये भी कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है, ये चलती रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए। सो इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। पहले के समय में क्या होता था, विंड मिल्स जो होती थी इनका इस्तेमाल जो मेनली जो ग्रेन्स, ठीक है, जो जैसे कनक हो गया, इन्हें पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वाटर को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है, उठाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था एंशियंट टाइम में। लेकिन मॉडर्न टाइम में आज के समय में जो विंड मिल्स हैं इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, हाई स्पीड जो विंड्स होते हैं ये विंड मिल को रोटेट घुमाने का काम करती है, मतलब कि जो पंखे लगे होते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में देख लो, तो यहाँ पे ये जो पंखे टाइप लगे होते हैं, हवाएं चलती हैं, सो इन्हें ये घुमाने का कार्य करती है, सो जिसके द्वारा यहाँ पे बिजली उत्पन्न की जाती है। सो जनरेटर के साथ कनेक्ट होती है, सो उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सो विंड फार्म्स यहाँ पे मेनली जो कोस्टल रीजन होते हैं या माउंटेन्स पासेज होते हैं वहां पे बहुत तेज हवाएं चलती रहती हैं, सो वहां पे ये ज्यादातर लगाई जाती हैं। तो विंड फार्म से यहाँ पे आपको नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे याद रखना कि वर्ल्ड का जो पहला सोलर और विंड पावर्ड बस शेल्टर है, ठीक है, बस शेल्टर है, वो स्कॉटलैंड में बनाया गया था। बस शेल्टर मतलब कि जहाँ पे लोग वेट करते हैं बस का आने का, ठीक है, सो वहां पे स्कॉटलैंड में बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग नीचे लिखी हुई है, सो एक बार पढ़ लेना। वैसे तो अगर आप 8th के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि कैसे बिजली जनरेट होती है, जस्ट आपको सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग देख रहे हो, आने वाली जब मैं यूपीएससी की वीडियो डालूंगा उसमें तो कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, टूटते हैं, जैसे यूरेनियम थोरियम हो गया, सो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न की जाती है। सो इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फीजन बोला जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर फीजन याद रखना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसका जो काम होता है आगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में का इस्तेमाल किया जाता है। सो मेनली यहाँ पे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं न्यूक्लियर एनर्जी के वो कौन से हैं, यूएसए, फिर दूसरे पे आ जाएगा यूरोप। यूरोप और एक कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, यूएसए एक कंट्री की बात हो रही है। यहाँ पे इंडिया में राजस्थान और झारखंड, यहाँ पे आपको यूरेनियम की मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, थोरियम की मात्रा आपको जो मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला है यहाँ पे है, सो यहाँ पे आपको थोरियम बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी। सो न्यूक्लियर के बारे में पहले हम देख लेते हैं। सो न्यूक्लियर की यहाँ पे डायग्राम ये रही। सो वैसे 8th क्लास में इतना ज्यादा डिटेल में आप लोगों ने नहीं जाना, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं, ABCD यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट्स हैं और क्या क्या इनके काम है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है। सो हीट एनर्जी, यहाँ पे जो
मेनली जो धरती की सतह से नीचे, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी पाई जाती है, सो वहां से वो ली जाती है, सो जिसे जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। इस हीट एनर्जी को आगे पावर में जनरेट किया जाता है, मतलब बिजली बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जियोथर्मल एनर्जी यहाँ पे जो हॉट स्प्रिंग्स की फॉर्म में होती है, तो इनका इस्तेमाल कुकिंग, हीटिंग, बाथिंग पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो गर्म पानी होता है, तो यूएसए यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट जियो थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे देखने को मिलेगा, और पोगा वैली है जो लद्दाख में यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, सो कैसे यहाँ पे जियो थर्मल एनर्जी पैदा की जाती है, इसे बिजली को उत्पन्न किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो हॉट वाटर होता है, सो यहाँ से लिया जाता है, ठीक है, स्ट्रीम। सो यहाँ पे टर्बाइन्स लगे हुए हैं, जनरेटर लगे हुए हैं, सो बिजली उत्पन्न करेंगे। फिर यहाँ पे कूलिंग टावर्स लगे हुए हैं, पानी को ठंडा करके बाद में ये वापस भेज देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये कार्य सिंपल से काम होते हैं इनके, तो बनाना एक्चुअल में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन सो टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी को जनरेट किया जाता है टाइड से, मतलब जो लहरें होती हैं समुद्र के ऊपर, जो लहरें चलती हैं उनसे, तो इसे टाइडल एनर्जी बोला जाता है। सो टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे बिल्डिंग डैम्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। डैम्स को बनाने के बाद यहाँ पे एक नैरो ओपनिंग होती है, यानी कि मतलब कि छोटा सा यहाँ पे एक ओपनिंग, यहाँ पे द्वार होता है सी में। सो जैसे पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये क्या है, सी, यहाँ पे समुंदर है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये डैम बनाया हुआ है। सो यहाँ पे नैरो ओपनिंग है, नैरो ओपनिंग में यहाँ पे टर्बाइन लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे पानी आएगा तेजी के साथ, ठीक है। जैसे ये क्या है, इनलेट, यहाँ से पानी आ रहा है, सो टर्बाइन यहाँ पे चलेंगे यहाँ पे, सो बिजली यहाँ पे उत्पन्न होगी, ठीक है। जनरेटर लगा हुआ है, सो ये पानी चला जाएगा बाहर। फिर यहाँ पे अगर ये इनलेट है, सिमिलरली यहाँ पे जो आउटलेट पाइप होता है यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, जब यहाँ से पानी जाता है तब ये टर्बाइन्स को चलाते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे फिर से भी यहाँ पे बिजली उत्पन्न की जाती है इनलेट आउटलेट दोनों से, ठीक है। सो इस प्रकार से ये कार्य करते हैं। सो हाई और लो टाइड्स यहाँ पे, ठीक है, टर्बाइन को घुमाने का काम करते हैं। सो जो डैम्स के अंदर इंस्टॉल्ड किए जाते हैं बिजली पैदा करते हैं ये, रशिया, फ्रांस, गोल्फ ऑफ कच्छ जो इंडिया में है, सो यहाँ पे ह्यूज टाइडल मिल्स लगे हुए हैं जो बिजली बनाने का काम करते हैं। फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन जो फ्रांस में बनाया गया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसके बाद बायोगैस, बायोगैस यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे डेड प्लांट्स जो होते हैं, एनिमल मटेरियल्स हो गया, या एनिमल डंक जो होता है, और किचन जो वेस्ट होता है, इन सभी को मिलाकर इसमें गैसेस फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, बायोगैस बोला जाता है। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ठीक है, उसे डिकम्पोज किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, जो डाइजेस्टर्स होते हैं बायोगैस में। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये क्या होता है, मिक्सर टैंक, यहाँ पे सब कुछ मिक्स करके यहाँ पे घेर दिया जाता है, इनलेट पाइप यहाँ से जाएगा, सो ये डाइजेस्टर है, टैंक है। सो यहाँ पे, ठीक है, सो जितना भी मटेरियल होता है उसे डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। फिर यहाँ पे ये गैस यहाँ पे उत्पन्न की जाती है, सो गैस होल्डर्स हैं, और यहाँ पे, ठीक है, फिर बाद में निकाल ली जाती है गैस। और यहाँ पे ये क्या है, आउटलेट, यहाँ पे जो पाइप होता है, सो जितना भी मटेरियल होता है वो बाहर आ जाता है। सो चलिए देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे डाइजेस्टर होता है, ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पे जो मिक्सचर होते हैं, ये जो डाइजेस्टर होते हैं, ये बायोगैस को एमिट करेगा, मतलब कि छोड़ेगा। सो मेनली जो बायोगैस होती है वो मिक्सचर होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बायोगैस का यहाँ पे बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है, सो कुकिंग पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लाइटिंग पर्पस के लिए, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैन्योर जो खाद होती है, ठीक है, इसका भी यहाँ पे बनाने में काम बहुत ज्यादा किया जाता है। ऑब्वियस यहाँ पे खेतों में, ठीक है, यहाँ पे डाली जाती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सो यहाँ पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करवाना बहुत जरूरी है आज के समय में, कि वो इन एनर्जी रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। सो ऑब्वियस यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जैसे सेविंग अप्लायंसेस, लाइटिंग, कुकिंग, हीटिंग इन होम, ऑफिस, इंडस्ट्रीज, इन सभी कार्यों के लिए।
अब जैसे कारपूलिंग, कारपूलिंग क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, अब आज के समय में क्या होता है कि एक ही कार में सिर्फ एक ही व्यक्ति जा रहा होता है, ठीक है। सो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। अब ऐसे में और दूसरा व्यक्ति है वो भी अकेला जा रहा है अपनी कार में, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा फैलेगा। अगर तो पता है कि यहाँ पे दो तीन आदमी है, इन तीनों ने यहाँ पे एक ही ऑफिस में जाना है, तो इन्हें क्या करना चाहिए, एक ही कार में सभी को बैठकर जाना चाहिए, ठीक है। सो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, सो इसे क्या बोला जाता है, इसे कार पूलिंग बोला जाता है। साइकिलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ये क्या है, यहाँ पे एनर्जी सेविंग आइडियाज है। सो ऐसे आइडियाज को जनरेट करना चाहिए सो एनर्जी को बचाया जा सके और आने वाले समय में इनका इस्तेमाल किया जा सके। सो चलिए, इससे हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 फिनिश होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कंप्लीट कोचिंग आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी नोट्स के साथ। तो अपने आसपास सफाई रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाएं, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना, यही हमारा लक्ष्य है। सो जय हिंद, हैव अ फैंटास्टिक डे।